एंड एट द सेम टाइम स्पेशलाइज्ड जो ट्रेनिंग मेथड है जो डिफरेंट एकेडमीज से जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है वो हम यहाँ पे भी उस इनपुट को यूज करेंगे और यहाँ के लिए स्पेसिफिक जो बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसको हम फुट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे. माइक को रेस्ट चाहिए. इट्स गुड मैडम इज द बेस्ट माइक ना मैडम ने खुद के लिए बचाते रहता. इट्स गुड टू बी बैक इन नागपुर. मैंने बहुत सारा क्रिकेट यहाँ पे खेला है. जब स्टाइपेंड में कोल इंडिया के लिए था उस समय से लेकर जब रेलवेज में जॉब था जब अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था. सो काफ़ी क्रिकेट मैंने यहाँ खेला है काफ़ी नागपुर को देखा है. फिर द प्लेजर कमिंग बैक ओवर हियर. होपफुली आने वाले समय में वंस फुल फ्लेज्ड एकेडमी स्टार्ट होगी तो आई कीप कमिंग बैक एंड उस समय कोशिश करेंगे इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो. आज सबके लिए हर दिन एक लर्निंग होती है. आई थिंक टूडे द की लर्निंग वॉज अडेप्टेबिलिटी स्पेशली फॉर द स्कूल मैनेजमेंट. जो बच्चों ने अभी डांस किया दैट वॉज सपोज टू बी समवेयर एल्स. थोड़ी भीड़ हो गई तो इट वॉज ट्रांसफर्ड हो गया. सो अडेप्टेबिलिटी इज इन लाइफ. तो आने वाले समय में मैं यही होप करता हूँ विल हैव मच मोर इंटरेक्शन और थोड़ा ग्राउंड पे भी समय बिताने का मौका मिलेगा. आज थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और जो यहाँ पे क्रिकेटर्स हैं उनसे ज़्यादा बाकी लोग हैं जिनको फोटो लेना है तो उसमें फिर प्रॉब्लम होता है. बट इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ यू स्माइलिंग. आप लोग हंस रहे हैं धूप है उधर गर्मी ज़्यादा है बट स्टिल टू हैव दैट स्माइल. सो थैंक्स फॉर कमिंग एंड एज आई सेड इट्स वेरी प्लेजर बीइंग. Sir, you are my role model. My playing role in a game is wicket-keeper, batswoman. So, sir, I want to ask you some questions. My first question to you is, in World Cup 2011, you promoted yourself in batting order. Sir, what was the thinking? Sir, what was your thinking and mindset at that time? आंसर थोड़ा लंबा और कॉम्प्लेक्स है. मैं अगर उसको एकदम छोटे में बताऊँ तो एक रीज़न क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप ऐसा डिसीजन लेते हैं. उस समय अगर आप देखें तो मुरलीधरन थे उनके बॉलर सूरज ये CSK के पार्ट थे. तो मैंने एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर या इंडियन क्रिकेटर मैंने सबसे ज़्यादा उनको नेट्स में खेला था तो चांसेस थे कि मैं उनको रीड बेटर कर सकता हूँ. बट इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई और उनको रीड नहीं कर पाता है. सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड इट. 2008 से हम IPL खेल रहे थे. मुरलीधरन हमारे पहले साल से ही टीम में थे. सो काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी उनके साथ नेट में प्रैक्टिस करने की और साथ में जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि जो सामने वाला क्रिकेटर है उसकी थिंकिंग क्या है उसकी प्लानिंग कैसे होती है ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती थी. तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण मैंने ये डिसीजन उस समय लिया. सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब भी मैच के दौरान सभी प्लेयर्स और व्यूअर्स की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है उस समय आप बहुत कूल दिखते हैं इसलिए आपको मिस्टर कूल कहा जाता है. सर क्या मैच के पहले आप कुछ मेंटली और फिजिकली प्रिपरेशन करके आते हैं? जनरली अगर लाइट होती है तो मैं फ्रिज में सोने की कोशिश करता हूँ. नहीं बहुत ज़्यादा ऐसे कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं है. मैं कोशिश करता हूँ जितना जो एक नॉर्मल प्रिपरेशन रहता है सबका एक अलग अलग मेथड रहता है प्रिपरेशन का तो मैं भी अपना जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि कई बार आप अगर प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं और बहुत ओवर एम्फसाइज करते हैं तो उससे भी प्रेशर आपके ऊपर बढ़ जाता है. तो जो एक नॉर्मल प्लानिंग होती है वो हर कोई करता है. इट्स जस्ट दैट आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि आपकी जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो क्या है आपको बेस्ट क्या सूट करता है तो उसके हिसाब से यू कीप डूइंग योर प्लानिंग. थोड़ा लेफ्ट राइट चेंजेस होता है प्लस माइनस 10% होता है बट यूजुअली जो SOP होता है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं. थैंक यू सो मच. एक विकेट कीपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है और अगर विकेट कीपर टीम के लिए कैप्टनशिप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है? पहला क्वेश्चन क्या था भूल जाता हूँ सर. विकेट कीपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? आई थिंक कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आई ऑलवेज फेल्ट कीपर हमेशा टीम का वाइस कैप्टन होता है क्योंकि अगर वो फील्डिंग के एडजस्टमेंट्स
बैट्समैन कैसी बैटिंग कर रहा है ये वाला इन्फॉर्मेशन अगर कैप्टन को देता है, बोलर्स को देता है, विकेट कैसा है, कहाँ पे वो बोलिंग कर सकता है, अगर ये सारी चीज़ें इनपुट्स जो है वो अगर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में देता है तो टीम के लिए बहुत बड़ा एक एसेट हो जाता है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ द कैप्टन, यू नो, इन द सेंस आपको देखना पड़ता है कि कौन से फील्डर को वो किस पोजीशन पे पसंद करता है. यू नो, सबकी एक लाइकिंग होती है कि मुझे ये फील्डर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है. लेट्स से पॉइंट और कवर की बात है या दो इंडिविजुअल ए और बी है, तो हो सकता है कैप्टन को प्रेफरेंस रहता है कि ए कवर में रहे, बी पॉइंट में रहे. तो वो सारी चीज़ें आपको यू नो यू हैव टू लर्न ऑल दोस थिंग्स एंड उसके हिसाब से वंस यू स्टार्ट डूइंग द चेंजेस एंड कैप्टन सीज की नहीं ये मेरे हिसाब से ही कर रहा है, यू नो, उस समय आपको काफ़ी हेल्प होता है. जो ऑफ द प्लान अगर आपको कुछ करना होता है देन यू गो अप्रोच द कैप्टन एंड यू टेल हिम कि मुझे ऐसा लग रहा है इस समय, देन आफ्टर दैट इट्स अप टू द कैप्टन. सो आई थिंक द मेन थिंग इज टू बी ऑनेस्ट. एज अ विकेट कीपर आप सबसे पास होते हो गेम के अपार्ट फ्रॉम द बैट्समैन, क्योंकि बैट्समैन होता है जो बैटिंग कर रहा होता है, कोई भी बॉलर डाले बॉलर चेंज होता है, विकेट कीपर इज द ओनली पर्सन जो सारी चीज़ों को एट क्लोज लेवल देखता है, उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दैट इन्फॉर्मेशन, यू नो, चुप रह के कोई फायदा नहीं है. इट्स इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप कैप्टन को बताएं. सेकेंड सवाल क्या था? अच्छा, विकेट कीपर कैप्टन अगर होता है तो क्या होता है? देखो पहले तो कोई बनाता नहीं था, सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तो उससे नहीं होगा. सो इट्स लाइक सेइंग कि स्कूल में काश ऐसा होता कि यार 7-8 सब्जेक्ट हैं या 2-4 सब्जेक्ट को काट देते हैं, इधर 6 सब्जेक्ट काफ़ी होते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. सो सेम चीज़ था, बट वंस कुछ विकेट कीपर्स जो रेस्पेक्टिव अपने कंट्रीज के लिए कैप्टन बने तो दे रियलाइज कि नहीं बहुत ज़्यादा नहीं होता, दे आर सो मच इन्वॉल्व इन द गेम कि उनको फर्क नहीं पड़ता है वो कैप्टन है कि नहीं है. नो, बिकॉज इनडायरेक्टली विकेट कीपर थ्रू आउट हिज लाइफ इज अ वाइस कैप्टन. सो एक स्टेप और लेने में कोई नुकसान होता नहीं है. सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट, यू नो, कभी ऐसा कोई एक्स्ट्रा बर्डन आपको फील नहीं होता है. एंड आई बिलीव वर्ल्ड क्रिकेट ने भी यही रियलाइज किया, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होते थे अगर कीपर को कैप्टन बना दिया तो यार ये तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया, उसका बैटिंग भी करेगा, कीपिंग भी करेगा, बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग चेंजेस, टॉस भी करेगा, सब कुछ करेगा, खाली एक अंपायरिंग डिसीजन भी हमें दे दे तो अच्छा हो जाएगा. टू स्टार्ट ऑफ इट्स द परफॉर्मेंस कि आप डोमेस्टिक में कैसा कर रहे हैं. डोमेस्टिक में भी अलग अलग लेवल होते हैं, रणजी ट्रॉफी होता है, दिलीप ट्रॉफी होता है, देवधर ट्रॉफी होता है. सेकेंड इज कहाँ के लिए टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, यू नो, बाकी आपके कौन से प्लेयर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सारी कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो प्लेयर का जो परफॉर्मेंस है इन द डोमेस्टिक सर्किल, सो दैट इज द की थिंग. जब आप कंसिस्टेंटली मैचेस के बाद मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हो, सीजन के बाद सीजन अच्छा परफॉर्म करते हो, देन यू सिलेक्ट योरसेल्फ इन द टीम. तो बहुत ज़्यादा व्हेन इट कम्स टू द 15 बहुत ज़्यादा सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होता है. इट्स दैट 15 से जब आप 11 पे चुनते हो तब आपको कंडीशन, सिचुएशन, वो सारी चीज़ें देखनी होती है. अगर टीम में कोई इंजर्ड हुआ है तो आपको देखना पड़ता है कि कौन सा चेंज करने से टीम ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगी. सो इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस ऑफ द टीम एंड बैलेंस के हिसाब से आपको टीम बनानी पड़ती है. कई बार somebody who is more deserving may not get a chance to play, तो 15 में होके 11 में नहीं मिल सकता है चांस, क्योंकि somebody else is injured and because of that अगर इस बंदे को खिलाएंगे तो combination जो है वो उतना balanced नहीं लगेगा. तो ये सारी चीज़ें टीम में मैनेज होती है. थैंक यू सर. उनमें T20 वर्ल्ड कप में जब फाइनल में अगेंस्ट पाकिस्तान फाइनल में था तो आपने लास्ट ओवर जोगिंदर शर्मा को दिया था, इसके पीछे क्या प्लानिंग था सर? पहले आप बताइए कि और किसके किसके ओवर बचे हुए, किसको किसको बोली करा सकता था वो बताओ पहले. बेसिकली सर को याद है, उन्होंने बोला हरभजन सिंह के ओवर बचे हुए थे. तो ब्रीफ जो कैलकुलेशन ये था कि उसके पहले जो भजुपा ने ओवर डाला था उसमें मिसबा ने काफी रन बनाए थे, डेफिनेटली ऑप्शन थे. बट उसके पहले मैं 2004 में मिसबा के अगेंस्ट कीनिया में हम लोग का इंडिया ए पाकिस्तान है और कीनिया की टीम के साथ एक प्राइस सीरीज थी, तो उसमें भी मैं विकेट कीपर था टीम का पार्ट था. वहाँ मैंने देखा कि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं और स्पेशली जब मारने की बात हो तो छक्के बहुत मारते थे. तो दैट वॉज द रीज़न मैंने बोला कि अगर लास्ट ओवर है, यू नो, इट्स बेटर ऑफ कि मैं एक मीडियम फास्ट बॉलर को दूँ रैदर देन अ स्पिनर को दूँ. सो दैट वॉज द रीज़न, एक सिंपल रीज़न था. अगली बार कोशिश करूंगा कि किसी के ओवर बचे नहीं, एक ही आदमी का एक ओवर बचे.